नमस्कार। आज 14 अगस्त है 2020। आज मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि अगर आक्रोश प्रकट करना है, अगर इफ़ यू वॉन्ट टू रैंट, देन हिंदी से बेहतर भाषा नहीं है। आज का टॉपिक है घुसपैठिए, HCQ और आइवरमेक्टिन। दोनों में कितनी समानताएं हैं। HCQ, एक फ्रेंच रिसर्चर ने अपने छोटे से एक्सपेरिमेंट में, जिसका ना कोई रैंडमाइजेशन था, ना किसी का कंट्रोल था, ना किसी का रिव्यू था पीयर्स का, उसने एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे रिसर्च पैदा की। यहाँ पे बांग्लादेश के एक मशहूर डॉक्टर ने आइवरमेक्टिन पे रिसर्च पैदा की। HCQ इन विट्रो स्टडीज में सफलता दिखाता है, आइवरमेक्टिन भी इन विट्रो में सफलता। ये इन विट्रो अचानक ही साइंस बन गया है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बन गया है। इन विट्रो, अरे इन विट्रो तो सोडियम हाइपोक्लोराइड भी मारता है वायरस को, शायद तंबाकू वाला पान मसाला भी मारेगा इन विट्रो। फिर HCQ को एक साथ ही दिया गया एंटीबायोटिक के रूप में, एजिथ्रोमाइसिन है, एक पैरासाइट का ड्रग, एक एंटीबायोटिक, और दूसरी तरफ आइवरमेक्टिन को, जो भी पैरासाइट का ड्रग है, एक साथ ही दिया गया टॉक्सीसाइक्लिन, एक एंटीबायोटिक। पैरेलल्स, यहाँ HCQ को, घुसपैठिए को निकालते निकालते 4-6 महीने हो गए और यहाँ आइवरमेक्टिन घुस बैठा है, और एजिथ्रोमाइसिन तो अभी जाने का नाम नहीं ले रहा और डॉक्सीसाइक्लिन आ बैठा है। क्या हो गया है मॉडर्न साइंस, क्या हो गया है? हम आयुष वालों पर हंसते थे कि आप क्या एविडेंस के बिना बातें करते, अब वो हम पर ठहाके लगा रहे हैं, ये है तुम्हारा मॉडर्न मेडिसिन। मैं सोचता हूँ कि लोग एक बार उल्लू बन सकते हैं, दूसरी बार मॉडर्न साइंस वाले डॉक्टर कैसे उल्लू बन सकते हैं। फिर मुझे याद आता है कि लोग तो एलियंस में मानते हैं, भूत प्रेत में मानते हैं, तो फिर ये HCQ और आइवरमेक्टिन क्या चीज है? शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या फर्क पड़ता है? सेफ ड्रग है आइवरमेक्टिन, क्या फर्क पड़ता है? करोड़ों लाखों करोड़ों रुपयों का फर्क पड़ता है। डॉक्सीसाइक्लिन से बदहजमी होती है, एसिडिटी होती है, पील इसोफेजाइटिस होती है, वो फर्क पड़ता है। अरे वैसे भी कहाँ यार, कोविड वाले खाना खाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? डॉक्सीसाइक्लिन दें, थोड़ा और कम। फोटो सेंसिटिविटी होती है डॉक्सीसाइक्लिन से, क्या फर्क पड़ता है? अरे कहाँ कोई धूप में निकलने वाला है इस लॉकडाउन में। शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? मुझे तो होती है। बस करें, हाथ जोड़ कर कहता हूँ, बस करें।